बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। विवाह, शादी, संतान प्राप्ति, विवाह के बाद में विवाद या किसी नए कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अड़चन आ रही है, तो एक बार किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाकर पूछना, तो बता देगा या तो मंगल या शनि कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्रूर ग्रह तकलीफ दे रहा होगा। ज्योतिष आचार्य के पास जाएंगे वो कहेगा। जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है। शिवलिंग के पास में विराजमान, कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर कर रही है। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए, जम के बोलो जरा, मंगलवार का समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करें हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करें हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। लड़की को मंगल है गुरुजी, लड़के को मंगल है, क्या करा जाए, कुछ मत करो। प्रदोष के व्रतों में वर्णन किया गया है कि रवि का प्रदोष, भौम का प्रदोष, मंगल का प्रदोष, बुध का प्रदोष, गुरु का प्रदोष, शुक्र का प्रदोष, शनि का प्रदोष, जो प्रदोष पढ़ते हैं पूरे महीनों में, पूरे वर्ष में मंगल का प्रदोष निकाल कर रख लो कि मंगल का प्रदोष इस दिन पड़ रहा है, मंगल की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, प्रदोष व्रत मंगलवार का पड़ रहा है। और जिन लड़का लड़की को मंगल होते हैं, जिन कन्या और वर को मंगल होते हैं, केवल शंकर भगवान के मंदिर में जाकर चौमुखी दिया, चार बत्ती का दिया, आटे का, उसमें घी डालकर लड़की शंकर भगवान के मंदिर में मात्र 7 बार शंकर पे से उतार कर 3 बार स्वतः उतार कर शिव के मंदिर में रख देती है, उसका मंगल आड़े आता ही नहीं है, मंगल नहीं आता सामने। मंगल प्रदोष व्रत का इतना महत्व है महाराज। ये प्रदोष व्रत होता क्या है, प्रदोष व्रत का महत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का प्रदोष का व्रत, अर्थात चंद्रदेव को जो क्षय रोग हो गया, बीमार पड़ गए, शरीर गलकर नीचे गिरने लगा, तब देव ऋषि नारद ने भगवान चंद्र को शंकर भगवान के पूजन का विधान बताया और पूजन करते करते त्रयोदशी तिथि आ गई, जिस त्रयोदशी के दिन चंद्रदेव ने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया। शाम के समय सूर्य अस्त के पहले चंद्रदेव ने स्नान किया, श्वेत वस्त्र धारण करे और श्वेत वस्त्र धारण कर कर चंद्रदेव शंकर के शिवलिंग की पूजन करने बैठ गए। शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन जब चंद्रदेव ने करी, हाथ में अक्षत लेकर चंद्रदेव ने शंकर को समर्पित करे, ओम उमापति नमः कहकर जब चंद्रदेव ने शिव को समर्पित करे, भगवान शंकर त्रयोदशी के दिन प्रदोष समय में, प्रदोष काल में प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले, हे चंद्र, तुमने आज मेरा अनुरोधन किया है, आज मेरा स्मरण किया है, जाओ आज त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में मैं तुम्हारे शरीर को स्वस्थ करता हूं। तब से ये प्रदोष व्रत प्रारंभ हुआ है महाराज। और प्रदोष समय और बस वही
प्रदोष का दिन और प्रदोष काल के समय में शिव का स्मरण आ गया, शिव का स्मरण। बहुत ध्यान देना, प्रदोष का दिन प्रदोष काल का समय चित्त वृत्ति में पंडित जी के पुजारी जी की आ गया कि ये प्रदोष का दिन और प्रदोष काल का समय साधारण नहीं होता। हमने पहले भी अपनी कथाओं में वर्णन किया है मेरी माताओं से, अगर तुम्हें लगता है कि बहुत जिंदगी दुख की चल रही है तो प्रदोष काल में प्रदोष के दिन दो दिए, एक देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, एक अपने दरवाजे की चौखट पर लगाना प्रारंभ करो घी के दीप। बाबा तीन या चार प्रदोष में कृपा करना प्रारंभ कर दो, करुणा करना। कभी मौका मिले अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने खेड़े में, कभी प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथा टीवी पर भी सुनने को मिल जाए, अपने क्षेत्र में मिल जाए तो जाकर सुनो। मिले अगर प्रदोष का दिन, पुजारी जी के शरीर में कोढ़ का रोग हो गया, कोढ़ी हो गई, श्राप लग गया, प्रदोष का दिन था, प्रदोष काल का समय, पुजारी जी की आंख से आंसू बह रहे थे, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर आंख से आंसू गिर रहे थे। बेलपत्र स्वयं शिव और पार्वती का एक स्वरूप है, आंसू जो गिरे, नैनों से जल जो बहा, उस बहे हुए जल का फल ये मिला कि मेरे भोले बाबा एक बूढ़े का रूप लेकर आ गए। और पुजारी जी से कहा, पुजारी जी क्यों रो रहे हो? कहा, मुझे माता पार्वती ने कोढ़ी होने का श्राप दिया है। कोढ़ी होने का श्राप? पुजारी जी आप तो शंकर जी के पूजा करने वाले हो, शंकर जी के भक्त हो, शंकर की आराधना करने वाले हो, शंकर के मंदिर की चाकरी करने वाले हो, शंकर के मंदिर में सेवा करने वाले हो, उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में ये रोग आ गया, उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में ये कष्ट आ गया। पुजारी जी ने कहा, ये तो मेरे कर्म की गति है, इसलिए मुझे ये रोग मिला है। तो बूढ़े का रूप रखे हुए महादेव ने कहा, पुजारी जी फिर घबराते क्यों हो? अगर रोग उसने दिया है तो मिटाने वाला भी वही होगा। शंकर की आराधना करना प्रारंभ करिए। बूढ़े का रूप रखकर कर दिया, तुम एक काम करो, ये रोग की समाप्ति 16 सोमवार के व्रत से हो सकती है। 16 सोमवार का व्रत? हाँ, पर मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे शरीर में तो रोग है, रोग है। अगर मैं शरीर का रोगी व्यक्ति मंदिर जाऊंगा तो लोग भगा देंगे, मंदिर में पूजन करूंगा तो भगा देंगे, करो क्या? तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रदोष काल में, प्रदोष समय में उसको करिए, और करने के बाद में प्रदोष काल में शाम के समय सोमवार के दिन दोपहर के तीसरे पहर में जब आप पूजन करो, प्रसाद बनाकर तीन हिस्से कर दो हिस्से का स्मरण कर एक हिस्से का स्मरण एक मंदिर का, एक हिस्सा भक्तों का, एक हिस्सा तुम्हारा, ऐसा भाव वर्णन करते हुए अभिषेक पूजन करने के बाद उस शिवलिंग का विसर्जन करें। ऐसे 16 दिन 16 सोमवार तुम्हारे जब पूर्ण हो, तब 17वां जब सोमवार आए, उस 17वें सोमवार पर 16 जोड़े ब्राह्मण आदि जो बुलाए, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के बुलाए, आप जिसको बुलाना चाहे, आपकी मर्जी जिससे हो उसको बुलाकर उन 16 जोड़ों को स्मरण कराकर पूजन अभिषेक कर भाव से भक्ति से बाबा का प्रसाद उनको पवाए। और सुनो, अगर मान लो तुम्हारे पास में इतना पूंजी भी नहीं कि तुम 17वें सोमवार को इतना उद्यापन में लगा सको, तो तुम्हारी भाव के अनुसार 17 सोमवार जो 17वां हो उसमें कोई प्रसाद का निर्माण कर 17 जगह पर जोड़ों को वितरित भी करवाएंगे तो भी वही फल आपके प्राप्त हो जाएगा। ये आनंद का जी ने कहा। पुजारी जी बोले, क्या सही में मेरा ये कोढ़ी का रोग समाप्त हो जाएगा? क्या मेरा कोढ़ का रोग समाप्त हो जाएगा? शंकर भगवान कहते हैं, तुम शिव के भरोसे रहिए, जब शिव के भरोसे रहोगे तो फल मिलेगा।